हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। टुडेज माय टॉपिक इज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए बना है, उसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया क्यों गया है। इससे पहले आप लोगों ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस का यूज करना सीखा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस। क्या DOS एक तरह का ब्लैक एंड व्हाइट ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे चलाने के लिए आपको कमांड्स की आवश्यकता होती थी। Am I right or wrong? Right or wrong? Right or wrong? Right। यानी हर कोई बंदा DOS को उस तरीके से नहीं ऑपरेट कर सकता जिस तरीके से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। बिकॉज DOS को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? कमांड। किसकी? जोर से, दिल से, प्यार से, कमांड की जरूरत होती है। और जिसे कमांड याद नहीं है, नया जैसे कमांड हमको याद नहीं है, तो हम डॉस को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी कमांड किस लिए ऑपरेट की जाती है। Am I right or wrong? Right or wrong? Right or wrong? डॉस में ना आपने कोई कलरफुल स्क्रीन देखी, ना बटने देखी, ना लिस्ट बॉक्स देखी, ना डायलॉग बॉक्स देखा, ना कोई बटन देखी। Am I right or wrong? डॉस में डेस्कटॉप भी नहीं था। डॉस में बिना आप करते क्या हो? या तो फाइल बनाओगे या तो डायरेक्टरी बनाओगे। कुल मिला के डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल और डायरेक्टरी के मैनेजमेंट का ही एक सिस्टम कहलाता है। इसलिए डॉस को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि डिस्क में फाइल और डायरेक्टरीज को मैनेज किया जाता है। Am I right or wrong? Right or wrong? Right or wrong? लेकिन हम थोड़ी सी बात और भी समझने की कोशिश करें। डॉस बनाने वालों को यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वालों को ये लगा कि यार डॉस जो उन्होंने बनाया है वो थोड़ा सा कठिन हो गया है, हर किसी के हाथ में नहीं आ पा रहा है। डॉस वही ऑपरेट कर पा रहा है जिसे कमांड आती है। अब जैसे नेहा, नेहा अभी अभी आई है, डॉस एकदम से अगर इसको चलाने को देंगे तो क्या ये रन कर पाएगी? नहीं रन कर पाएगी। Am I right or wrong? क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? इसे कमांड नहीं आती। कमांड नहीं आती। अब हम जो कंसेप्ट कवर करने वाले हैं वो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। डॉस की कई सारी प्रॉब्लम्स यानी कि कठिनाइयों को देखने के बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वालों को ये लगा कि उन्हें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए जो टोटली सरल हो और हर किसी के कार्य में यूज हो जाए। Am I right or wrong? डॉस में कभी आपने गाना सुना? No। कोई पिक्चर देखा? No। कोई एनिमेशन देखा? No। केवल वर्क देखा। क्या देखा? वर्क। केवल वर्क। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप मल्टीमीडिया पे भी काम करोगे, यानी गाने भी सुनोगे, पिक्चर भी देखोगे, काम भी करोगे, इंटरनेट पे भी काम करोगे। यानी कि इंटरनेट भी जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सो डॉस एक तरफ जहां ब्लैक एंड व्हाइट है, विंडो उसी तरफ कलरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। Am I right or wrong? Right or wrong? Right or wrong? डॉस ब्लैक एंड व्हाइट तो विंडो, डॉस CUI तो विंडो GUI। CUI और GUI ये दो प्रकार के इंटरफेस होते हैं। CUI और GUI दो प्रकार के इंटरफेस होते हैं। इंटरफेस क्या? इंटरफेस यानी कार्य करने का तरीका, दिखने का तरीका, ये सब कहलाते हैं इंटरफेस। क्या कहलाते हैं? इंटरफेस। डॉस का जो इंटरफेस है वो है CUI। क्या? CUI। जोर से, CUI। डॉस का इंटरफेस क्या है? CUI। और विंडो का इंटरफेस क्या है? CUI और GUI में अंतर मैं आपको समझा देता हूँ। ये दो प्रकार के इंटरफेस हैं जिनके बेस पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं, या किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर जो है इन्हीं दो इंटरफेसेस के बेस पर काम करेगा। Am I right or wrong? Right or wrong? Right or wrong? लेकिन सबसे पहले हम CUI की बात करते हैं। CUI का पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या? और GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्या? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्या? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्या? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिक यूजर इंटरफेस में डिफरेंस आपको मैं बता दूं कि एक तरफ जब हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं और दूसरी तरफ जब हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं, तो अंतर यहीं पर स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों अंतर क्या है? एक तरफ कैरेक्टर का यूज होता है,
यानी अक्षरों का यूज होता है। Am I right or wrong? Right. और दूसरी तरीके से अगर आप देखें GUI को यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस को, तो यहाँ पे ग्राफिक का यूज होगा, एक तरफ कैरेक्टर का और एक तरफ ग्राफिक। यहाँ पर दो तरह के इंटरफेस है, डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI। सो आप कह सकते हैं कि CUI का पूरा नाम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है और GUI का पूरा नाम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। में कैरेक्टर को बेस बनाया गया है, किसको? जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ग्राफिक को बेस बनाया गया है, किसको? ग्राफिक को। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, DOS पर जब हम काम करते थे तो पूरा का पूरा काम कमांड स्टैंडर्ड का होता था, किसका? कमांड जो होती थी वो टाइप करके ही टाइप की जाती थी, आई राइट रॉन्ग, यानी कैरेक्टर से बनती थी। क्या तो हम ये कह सकते हैं कि जो DOS है यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका? लेकिन जो विंडो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। Am I right or wrong? Right or wrong? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम DOS। DOS सबका बॉस और सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, इसलिए हम इसको बॉस कहते हैं। Am I right or wrong? जबकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस वाली। क्या? अगर दोस्तों आपसे DOS के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले DOS का पूरा नाम याद होना चाहिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरी बार आपको याद आना चाहिए कि यार DOS में जो इंटरफेस लगता है वो CUI होता है। क्या? CUI होता है। क्या? CUI। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंटरफेस लगता है वो GUI होता है। क्या? GUI। क्या? GUI। हम बहुत पहले देखे हैं कि भैया कई जगह पर कुछ ऐसे कंप्यूटर्स मिलते थे या आज भी देखे जाते हैं जहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर होते थे। Am I right or wrong? ब्लैक एंड व्हाइट मतलब उनको कलर से कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर जो सॉफ्टवेयर चलाए जाते थे या जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था वो टोटल CUI वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, क्योंकि पहले बहुत पहले की अगर हम बात करें जब कंप्यूटर बन चुके थे तब माउस नहीं बने थे। CUI इंटरफेस वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है उसमें माउस का यूज नहीं होता, टोटल कीबोर्ड का यूज होता है। Am I right or wrong? लेकिन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस का यूज भी होता है, कीबोर्ड का यूज भी होता है, कलर फुल स्क्रीन का यूज भी होता है, बटनों का यूज भी होता है, डायलॉग बॉक्स का यूज भी होता है, लिस्ट बॉक्स का यूज भी होता है। Am I right or wrong? एक तरफ जहां DOS में हम कमांड चलाते हैं, दूसरी तरफ वही विंडो में हम विकल्पों पर काम करते हैं, किस पर? विकल्पों पर। एक तरफ DOS में जहां कमांड को याद रखना पड़ता है, दूसरी तरफ विंडो में वहां कमांड याद रखने की टेंशन नहीं, केवल याद रखना होता है काम कैसे करते हैं और किस काम के लिए किस विकल्प पर जाना होता है। Am I right or wrong? एक तरफ DOS में शटडाउन करने की कोई झंझट नहीं है, दूसरे तरफ विंडो में शटडाउन टर्न ऑफ करना पड़ता है। समझ में आया? तो यहाँ का चैप्टर जो अभी मैंने आपको बताया वो ये था कि भैया DOS क्या है, विंडो क्या है, इंटरफेस जो CUI होता है वो क्या है और किसका है, हमने सीखा DOS का है, और इंटरफेस जो GUI होता है वो किसका है, विंडो का है। समझ में आया? DOS में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है जबकि विंडो में ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। तो क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से, और क्वेश्चन है अब लिखिए DOS और विंडो में अंतर स्पष्ट करें। DOS और विंडो में अंतर स्पष्ट करें, आंसर आपको देना है, ठीक है? तो स्टार्ट कर दीजिए आंसर देना और फटाफट लिख दीजिए। एक तरफ लिखिए DOS और दूसरी तरफ लिखिए विंडो। चालू करिए क्विकली।